कत्तलीसाठी गोवंश तस्करीचा प्रकार जोरावर सुरू आहे। त्यातूनच काल कपिलनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील अशोकनगर परिसरात दोन गटांमध्ये गँगवार भडकले। यात एका टोळीवर गोळीबार करण्यात आल्याची चर्चा सर्वत्र होती, मात्र गोळी कुणालाही लागली नाही असं सगळीकडे होतं। एकावर तलवारीने वार करून जबर जखमी करण्यात आले होते। यावर नागपूरचे नवनियुक्त आयुक्त रविंद्र सिंग यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे। बघूया काय म्हणाले ते। जुन्या वादातून हा गँगवार भडकल्याचं समोर आलं। यमडी आणि गोवंश तस्करीच्या वादातून मोमिनपुरात दोन गुटांमध्ये वाद झाला होता। त्याच वादातून काल अशोकनगर येथे पहाटे दोघांवर हल्ला करण्यात आला। यातील मुख्य आरोपी शादाब याला अटक केली असून त्याच्या साथीदारावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे। घटनेनंतर परिसरात प्रचंड थरार निर्माण झाला होता। आयुक्त रविंद्र सिंग यांच्या नेतृत्वात आरोपीला घेऊन पोलिसांनी मोमिनपुरा परिसरात रूट मार्च काढला। शहर में शांतता रहे और इलेक्शंस ठीक ठाक से हों, इसलिए ये हम सब लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। पूरा नहीं, कोई भी एरिया हो, ये सिर्फ मोमिनपुरा की बात नहीं है, कोई भी एरिया हो और पुलिस अगर नहीं पहुंचेगी तो कौन पहुंचेगा। हमको वो नहीं लगता है किसी एरिया के बारे में है। सभी लोग जो हैं कोऑपरेट करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। समाज के सब लोग जो इसमें कोऑपरेट करते हैं और सब अप्रिशिएट भी करते हैं पुलिस के एक्शन को। जो क्रिमिनल हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए।